नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर प्रयागराज से। प्रयागराज जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक का फरमान जारी। आपको बता दें, बोर्ड की परीक्षा में नकल कराने वाले विद्यालयों के खिलाफ होगी कार्रवाई। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा का सेंटर बनाने से पहले जांच के साथ साथ किए जाएंगे निरीक्षण। आपको बता दें, प्रयागराज जिले के 12 तहसील अंतर्गत दर्जनों ऐसे विद्यालय संचालित हो रहे हैं जिन्हें यूपी बोर्ड की मान्यता के साथ साथ बोर्ड परीक्षा का सेंटर भी दे दिया जाता है, परंतु वह इसके लायक हैं या नहीं इसकी जांच नहीं की जाती है। ऐसे में विद्यालय पूरे साल तो बंद रहते हैं, उनका खुलना केवल उसी दिन होता है जब उन्हें एडमिट कार्ड बांटना हो। इस तरह में आए दिन शिकायत मिला करती है कि स्कूलों में लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर सुविधा शुल्क वसूल कर गैर जनपद व अन्य प्रदेश के बच्चों से मनचाहा पैसा वसूल कर स्कूल के संचालक शिक्षा का अवैध कारोबार कर रहे हैं। कई बार देखा गया है कि परिजनों द्वारा इसका विरोध कराने पर बच्चों को परीक्षा सेंटर से बाहर किए जाने की धमकी तक दे दी जाती है। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने कहा है कि इस बार बोर्ड की परीक्षा से पूर्व जो भी सेंटर बनाए जाएंगे उनके सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाएगी। साथ ही शिकायत मिलने पर ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर उनका सेंटर हमेशा के लिए रद्द कर उनकी मान्यता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक के इस बयान के बाद शिक्षा माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। परेशानी ये है कि शिक्षा के मामले में तो जमुना पार में राजा कमलाकर का अपना एक अलग नाम है, लेकिन यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजों बोर्ड में सेंटर नहीं दिया जाता, और जो विवादित कॉलेज हैं या नकल वाले कॉलेज हैं उनको सेंटर दिया जाता है, इसको कैसे रोका जाए? जो भी विद्यालय नाम्स को पूरा करेंगे बोर्ड के और जिनकी छवि अच्छी होगी उन्हीं को ही बोर्ड का सेंटर दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर उन्हीं को बनाया जाएगा। और एक परेशानी है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है, बहुत पुराना इंटर कॉलेज है, वहाँ शिक्षिकाओं की कमी है और स्टाफ की कमी है। बिल्कुल, शिक्षिकाओं की और स्टाफ की कमी हो सकती है, इसकी हम लोग मांग कर रहे हैं। जैसे ही टीचर्स हमारे नई भर्ती होंगे या अन्य जगह से ट्रांसफर होकर आएंगे तो वो जो है कमी पूरी हो जाएगी। सर, बहुत से यहाँ तहसील में विद्यालय हैं जहाँ पे बच्चों के एडमिशन तो कर लिए जाते हैं लेकिन स्कूल नहीं खुलते, वो केवल कागज पे ही अपने एग्जाम को दे करके। और देखिए, मैं चूंकि बीच सत्र में आया ये निरीक्षण कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई स्कूल पाया जाता है कि एडमिशन कर लिए जाते हैं और संचालित नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ तत्काल नियमानुसार कार्रवाई। सर, एग्जाम के समय ये कहा गया है कि कैमरे लगा करके एग्जाम होते हैं, बट एग्जाम के समय इतनी ज्यादा नकलों की जो शिकायत मिलती है, यहाँ कैमरे बंद करके नकल कराई जाती है? ऐसा कोई सेंटर नहीं चल सकता है कि जो कैमरे बंद करा करके परीक्षा कराए। हर को कैमरे स्टार्ट करना पड़ेंगे, उसकी तो स्टेट लेवल से मॉनिटरिंग होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से मॉनिटरिंग होगी। अगर ऐसा कोई विद्यालय संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की। थैंक यू।